हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अपने घर का, देखिए मैं लुक चेंज कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस समय हम लोग अपने हाथ से वाइट वॉश कर रहे हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा कैसी है और फिर बताइएगा। मैंने अभी इसमें सोचा तो नहीं था, बच्चे सिर हो गए तो फिर मैंने कहा लाओ कर दें, थोड़ी पुताई कर दें, क्या हो गया, बच्चे कह रहे हैं। तो मैंने तो नहीं की, लेकिन बच्चों ने करी, बहू ने, बेटे ने, दोनों ने मिलकर की है। कह रहे हैं मम्मी देखते हैं एक बार करके। मैंने कि चलो कर लो, लेकिन बहुत थकान हो जाती है इससे। अभी आधी हुई है तो इतनी हो गई है, पूरा काम करेंगे तो देखिए कितनी होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं किचन में। किचन में चल के देखिए मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग आइडिया लगाइए। देखिए मैंने प्याज भूनने के लिए रख दिए, प्याज भून रही हूँ मैं, इस तरह मसाला तैयार कर रही हूँ। देखिए इस तरह से टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें। जी हाँ, आप सही आइडिया लगा रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ काले चने, जो हमने साईं बाबा की शिरडी में खाए थे, हमने उनका नाम ही रख दिया है, शनि सिग्नापुर वाले चने, वही बना रही हूँ मैं इसमें। मैंने टमाटर प्याज को भून लिया है काफ़ी, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी मिर्ची धनिया डाल रही हूँ, धनिया थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने अभी इसमें गरम मसाला मिला दिया हल्का सा कालापन लाने के लिए। ये तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े से कढ़ाई में ना थोड़े से ब्लैक ब्लैक से हो जाए, हल्के से ब्लैक, इसका जो वो है ना ग्रेवी, वो थोड़ी सी वैसी हो जाती तो बड़ी अच्छी लगती है। मेरी कढ़ाई लोहे की है ये, तो इसमें अगर मैं गरम मसाला पहले डालूँ तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, इसलिए मैंने ज़रा सा डाला है। और मैंने इसमें मिला दिए हैं चने, देखिए इस तरह से। चने डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, पानी डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी और हरा धनिया डाल दूंगी। हरी मिर्च वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिए, और मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डाला है आज। आज मैं थोड़ा इसको चेंज करके ही बना रही हूँ इसको थोड़ा सा। तो ये मैंने अब इनको काफ़ी बॉयल कर लिया है, और हरा धनिया हरी मिर्च भी डाल दिए। ये देखिए इस समय मेरे चने हो गए हैं तैयार। ये पूड़ी से बहुत अच्छे लगते हैं, और मोटी रोटी से खाओ बाजरे की तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बन के हो गए हैं तैयार, लीजिए खा लीजिए, काले चने हैं तैयार। और चलिए अब चलते हैं ज़रा कमरे में, देखिए इस तरह से ये बच्चे पुताई कर रहे हैं। पहले इन्होंने ऊपर की छत को सफ़ेद करने की सोची है, तो ये कर रहे हैं, ये काम बिखरा पड़ा है पूरे कमरे में, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और दीवार पे कलर चेंज कर रहे हैं, ये देखिए कैसा लग रहा है, ये रंग लेमन कलर है, इसमें डार्क आ रहा है, बहुत लाइट कलर है ये, लेकिन इसमें डार्क दिखाई दे रहा है। ये इसने फूल में भी रंग भर दिया, मैंने मना किया था फिर भी ज़बरदस्ती कर दिया। बच्चे अपनी अपनी उससे वीडियो बना रहे हैं। ये मन्नू है, बहुत शरारत कर रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कमरा, ऐसा हो गया है मेरा कमरा तैयार इस तरह से। ये कलर इसमें बहुत डार्क आ रहा है, इतना डार्क है नहीं। अब ये चढ़ गया है ऊपर, ये करेगा पुताई, ये करेगा सारा वाइट वॉश। डांट पड़ गई है इसको, नीचे उतर रहा है, संदली के ऊपर चढ़ के बैठ गया था ऊपर, क्या मैं करूँगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी कमरा ही सही कर रहे हैं। देखिएगा कैसा लग रहा है आपका, बताइए मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचाव रखिए।